हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मानसिक गंभीर बीमारी के मरीज की, जो कि हम सब यूट्यूबर्स को छपरी समझता है। देखे सारे छपरी यूट्यूबर एक साथ आ जाओ, एक साथ। इस चूतिया की खुद की स्टेटमेंट खुद से नहीं मिलती और इसको लगता है कि हम सब इसकी लेने में लगे पड़े हैं। भैया मैं सिर्फ क्लास की बात कर रहा था। 2021 है, उधेड़ के फेंक दूंगा एक छपरी यूट्यूबर को, जोन सा बोल गया और बहुत रोज कर रहा था। अब आज ही आमने सामने तेरा करियर खत्म कर दूंगा कह के, समझ में आ गई? वो टिकटॉक था, अरे वो थारा भाई जोगिंदर है, तहमीज में बता रहा हूँ मैं लड़की तेरे को, तहमीज। मेरी माँ है ना, भूखी रहती थी और हमें खाना खिलाती थी। इस बार यूट्यूब रहेगा या थारा भाई जोगिंदर, यूट्यूब बंद कराना ये वाला सा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैंने उसको बहन बोला, बहन बोल के मैंने वीडियो बनाया यार, वो लड़की भी गाली दे रही है। वीडियो की स्क्रिप्ट पे काम किए बिना अगर वीडियो डाल देगा तो लोग गालियां ही देंगे, फूल थोड़ी ना बरसाएंगे, क्योंकि इमोशन लाइव जैसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए। अगर इस वीडियो में ये बंदा इमोशनल होकर लाइव हुआ होता ना, तो ये एक वेव में बात करता और एक मतलब की बात करता। इसकी वीडियो का स्टैंड ही नहीं है। सला इससे अच्छा स्टैंड तो मेरी पुरानी साइकिल का है, कम से कम साइकिल को एक जगह पे रोक के तो रखता है। तो इसकी बातों का कोई स्टैंड नहीं है, एक जगह पे रुक ही नहीं रहा है। कभी ये कह रहा है आप लोगों ने बहुत पैसा कमाया मेरा नाम ले लेके, खुश रहो यार। मैं बस यही कहूंगा अपने हिंदुस्तान की पब्लिक से, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा यूट्यूबर को। और कभी की ये है, अगर हिला सकते हो ना मार्केट से तो हिला के दिखा दे रहा। चुप हो जा सातवीं फेल। अजीब जानवर है। या कोई गंदी सी वीडियो डाल देगा, उसके बाद में कहेगा मेरी वीडियो पे बैड कमेंट्स क्यों कर रहे हो। तो भैया बैड कमेंट और डिसलाइक से इतना ही डर लगता है तो यूट्यूब तेरे लिए ठीक जगह नहीं है, किसी गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए तू। कभी फुद्दू सा स्टिंग ऑपरेशन डाल देगा, कभी लंडू सी डांस की वीडियो डाल देगा, उसके बाद में कहेगा कि रोस्टर गांड मारने में लगे पड़े। अरे भैया मारेंगे ना, हमारा काम है ये, गलत को गलत बताना ही हमारा काम है, इसी को रोस्टिंग कहते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस बंदे ने टॉक्सिक भाई से कह के खुद का रोस्ट करवाया। अब भैया टॉक्सिक भाई को बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत तगड़े तगड़े यूट्यूबर्स उनको फॉलो करते हैं, तो भैया जिन जिन को इसका टॉपिक अच्छा लगा तो उन्होंने सबने इसका रोस्ट कर डाला। बेटा आजकल जुगो के तो पीछे से कौन लेगा पता नहीं। इमोशनल वीडियो डाल के सफेद झूठ बोल रहा है सबको सामने। एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, 9 महीने तब वो पैदा होता है। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। कोई मतलब बनता था इस वीडियो के साथ? नहीं था ना, ये चूतिया ने ऐसी डाल रखी है। क्यों, अगर उनकी कोई सामग्री अगर डिलीट कराए तो उनके दिल में बीते ही। ऊपर से ये बंदा कह रहा है कि कैरी भाई ने इसकी वीडियो डिलीट करवा दी। अबे उसके पास इतना टाइम नहीं है कि जैसे चुप चुपे वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, बहुत काम है उसके पास, बहुत सारे चैनल हैंडल करने होते हैं उसने। ये यूट्यूब एप्लीकेशन बंद करानी है मेरे को। मेरे घर में आके मुझसे कहे ना कि मैं तेरा घर बंद करवा दूंगा, मैं उसकी गांड मार का मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा। तो भैया यही यूट्यूब ने किया है, तेरे साथ जो होना था वो कर दिया उसने। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? जो ये जैकेट पहन रहा हूँ ना, जो ये जैकेट पहन रहा हूँ, तेरे पूरे घर की सैलरी नहीं होगी जितने की ये जैकेट है। साले गांड में नहीं घूम और हमने चले जूहू। ऐसे जैकेट कहते हैं वो टी शर्ट है जो तूने पहन रखी है, और वो इतनी महंगी नहीं होती कि सलोनी के घर की पूरी मंथली इनकम लग जाए। उसकी मंथली इनकम इतनी होगी कि तेरी पूरी वीडियो बन जाए जितने में, तू बराबरी करेगा उसकी? और तेरी औकात काली सी शकल की, तेरी 3.5 फुट हाइट है, समझ में आ गई? तू रोस्ट मारेगी, तेरे ऊपर थू है थू, थू है थू। देखा, ये बंदा कह रहा है कि ये इसने बहन समझ के बात की है, बहन बोला है इसको वीडियो में इसने। ऐसे तो कोई नहीं बोलता अपनी बहन को, अपने वाल की खुद की बहन को तो नहीं बोलता होगा ये ऐसे कभी भी। भैया बहन कहना अलग बात है और बहन समझना अलग बात है, उसने तुझे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं कहा, सिवाय सिर्फ तेरी असलियत बताई थी उसकी। इंसानियत तो देखो, इसकी इमोशनल वीडियो को देख के, इसके चूतिया पे को देख के उस बंदी को लगा कि ये सच में बंदा नरम दिल हो गया है, उसने इससे सॉरी मांग ली है। अगर आपको फिर भी सच में मेरी वजह से बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। इस बंदे ने इतना इमोशनल ड्रामा और इतनी मिन्नतें तरले करके वीडियो डाली कि यूट्यूब को भी तरस आ गया, चल छोड़ पड़े, इसकी स्ट्राइक हटा दी और इसको वीडियो डालने की ऑप्शन दे दी। देखा चूतिया पा, तो देखो अगले ही दिन इस बंदे ने अपना ट्रैक रिलीज कर दिया जिसमें उसने फिर से उसकी बुराई कर रखी है। तो कहां से ये बंदा इमोशनल है भाई, कहां से इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ी है? मैंने क्या बोला, कुत्तों की फौज आई डिंडोरा वेब सीरीज, ये बीबी की आवाज बोन बाओ। चुप चूतिया,
वो को किसी और के इमोशंस की बिल्कुल नहीं पड़ी होती, उनको पड़ी होती सिर्फ अपने फेम की चुल। और जो इस बंदे को है, बीबी के वाइंस की वेब सीरीज को कुत्तों की फौज बोला है, जिस बंदे का इसकी वीडियो से कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसने उस बंदे के बारे में बकवास करी है, उसके मैनेजर ने आके बात करी तो फिर भाई भाई कह के सॉरी मांग रहा है। अबे चूतिए, पहले ही औकात में जाके बात कर ले, कान फाड़ देगा वो। फर्स्ट ट्रेंडिंग नंबर वन पे ट्रेंडिंग कर गई उसकी वीडियो। देखा टॉपिक अगर मैं ज्यादा छेड़ने लगूँ तो टॉपिक बहुत लंबा चल जाएगा, इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इतना टाइम ना आपके पास है और ना मेरे पास। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।